हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है इंडिया जापान शिखर सम्मेलन को लेके। देखो, अभी इंडिया जापान का 13वां शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया, और इस बार ये आयोजित हुआ जापान के जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पे। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कौन सा शिखर सम्मेलन था और कहाँ पे हुआ है। अब देखो, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो एक्चुअली जापान की यात्रा पे गए थे। काफ़ी सारे एग्रीमेंट हैं, MOU वगैरह साइन है, वो हुए हैं। और इंडिया और जापान के रिलेशन हमारे लिए GSK पेपर 2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें प्रीलिम्स के लिए तो देखो ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल की कुछ जो भी चीज़ आएंगे वो। बट थोड़ा एक बार हम मोटा मोटा ओवरव्यू है वो ले लेते हैं। देखो, पहले तो थोड़ा मैपिंग पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग भी हमारे लिए काफ़ी अहम है, वो हो जाती है। तो एक सेकेंड, ये तो हो गया देखो हमारा इंडिया, और ये हो गया आप यहाँ पे जापान। अब देखो, आप देख सकते हो कि चाइना की जापान के साथ ज़्यादा बनती नहीं है, मतलब चाइना की जापान के साथ भी खटपट है, और इंडिया की भी चाइना के साथ थोड़ी बहुत तो आपको पता खटपट चली रही है। इसलिए क्या है कि दुश्मन का दुश्मन दोनों दोस्त हो गए, मतलब इंडिया और जापान है वो दोस्त हैं, और पहले से भी इंडिया और जापान के रिलेशन अच्छे रहे हैं। मतलब कोई दोनों के बीच में तलखी वगैरह कभी से इतनी रही नहीं है, क्योंकि देखो रिलेशन आप देख सकते हो कि कल्चरल तरीके से भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसके बाद हर काफ़ी क्षेत्र में दोनों कंट्रीज हैं वो एक साथ मिलकर आगे आ रही है। अब हम यहाँ पे अहम बात करें तो देखो, जापान के लिए भी ये जो वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि इंडिया के जो ईस्टर्न एरिया बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि ईस्टर्न जो एशिया है वो एरिया इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जापान के लिए भी एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि यहाँ पे चाइना की दबदबा या चाइना का रुतबा यहाँ पे नहीं बढ़े। तो जापान भी ये चाहता है कि जो ये आसियान कंट्रीज वाला ग्रुप है ना, जो कि आप बोल जिसे हम बोलते हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, बेसिकली इन कंट्रीज की तरफ चाइना जापान है वो भी फोकस करता है कि यार इनके साथ अपने टाइज अच्छे रहें, तो कहीं ना कहीं हम चाइना को काउंटर कर सकें। और इंडिया का भी प्लान ये है कि भाई जो आसियान वाली कंट्रीज है, जिनमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम हो गया, इन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन और ज़्यादा अच्छे रहे, ताकि हमें भी इसका फायदा मिल सके और चाइना को हम काउंटर कर सकें। तो इसलिए चाइना जापान है वो भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में डेवलपमेंट के लिए इंडिया में काफ़ी सारा पैसा है वो खर्च कर रहा है, ताकि नॉर्थ ईस्ट के एरिया का डेवलपमेंट हो। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जापान को देखो फायदा तो हो गया होगा, क्योंकि चाइना को एक तरीके से काउंटर किया जाएगा और इंडिया को भी इससे बेनिफिट है वो हो जाएंगे। क्योंकि देखो इंडिया के लिए हम बात करते हैं ट्रेड वगैरह की, तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया से कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम देख सकते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट से हमें कनेक्टिविटी करनी होती है, चाहे मिजोरम वगैरह की हम एग्जाम्पल ले लें, तो देखो इंडिया के मेनलैंड से हमें जाना होता है। यहाँ से अगर होते जाते हैं तो बीच में एक चिकन नेक आता है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, काफ़ी पतला सा स्ट्रेच है, तो काफ़ी खतरा रहता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो इसलिए इंडिया इस वाले एरिया में डेवलपमेंट के लिए बहुत फोकस कर रहे हैं, और जापान भी बेसिकली यहाँ पे काफ़ी साथ है वो आ रहे हैं, और डेवलपमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पे चल रहे हैं। ये थोड़ा हमने बैकग्राउंड और थोड़े सीन है सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अब देखो, जो मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था, कैंपेन था, वो अभी जापान की जो कैपिटल टोक्यो है वहाँ पे भी आयोजित है वो किया गया। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर इसमें आए थे। अब यहाँ पे अहम बात क्या है, देखो जापान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है आप बोल सकते हो कि जनता है, वो धीरे धीरे एज होने लगी है, मतलब बूढ़ी होने लगी है। और इंडिया के पास आपको पता है कि अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड आप बोल सकते हो, या फिर जो मैन पावर है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए इंडिया का एक तरीके से मतलब मैन पावर और जापान की जो टेक्नोलॉजी है, या बोल सकते हो कि जापान की जो स्किल है, जापान की जो क्वालिटी है, वो दोनों मिलकर एक साथ काम है वो कर सकती हैं। इसी के साथ इंडिया का सॉफ्टवेयर सेक्टर, यानी कि इंडिया का IT सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जापान का हार्डवेयर या जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है। तो दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन के लिए बहुत अच्छा मौका है। बात करें हम इंडिया जापान के लिए, तो देखो हेल्थ के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमिक की बात ले लें, चाहे साउथ एशिया के मामले में बात कर लें, चाहे अफ्रीका के मामले में बात कर लें, या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, दोनों इन सब क्षेत्रों में एक्चुअली इंडिया और जापान सब साथ हैं, वो आ रहे हैं। और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जिसमें हम आसियान कंट्रीज के नाम से बेसिकली जानते हैं, उनके ऊपर इंडिया ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि उनका डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी स्टेबिलिटी रहेगी। और देखो इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भारी मात्रा में एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके साथ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। तो इंडिया का मेन एरिया है, तो इसलिए उस वाले एरिया पे डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस है वो भी किया जा रहा है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी काफ़ी सारी MOU वगैरह वो साइन किए गए हैं। हम बात करें तो इंडिया के अंदर मिनी जापान है, उसको भी स्टेबल करने की बात की जा रही है। मिनी जापान का मतलब क्या हुआ कि जापान जैसी टेक्नोलॉजी हो, जापान का जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड में नाम है, उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा किया जाए कि भाई जापान की काफ़ी कल्चर हो, जापान का वहाँ पर काफ़ी तरीके से नाम हो, कंपनीज वगैरह वहाँ पर आई। तो ये सब बेसिक बातें देखो आर्टिकल में थी, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बेसिकली मेंस के लिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है बेसिकली मिंगिन को
आइलैंड के बारे में, मेगिन को द्वीप के बारे में। तो देखो हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो इसकी लोकेशन है बेसिकली विक्टोरिया लेक में, जो कि केन्या और युगांडा के बीच में है। देखो अभी इश्यूज क्या है, अभी इश्यूज ये हैं कि 2000 से बेसिकली मिंगो जो आइलैंड है इसमें विवाद चल रहा है कि केन्या तो कह रहा है मेरा है, युगांडा कह रहा है मेरा, तो दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, जबकि एरिया बहुत छोटा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटा एरिया है, बट फिर भी आपस में लड़ाई है वो उनकी जारी है। तो एक बात चलते हैं लोकेशन की तरफ, ये तो आ गया हमारा अफ्रीका, और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे उगांडा होगा, यहाँ पे केन्या होगा, तो इसके बीच में लेक विक्टोरिया है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। और इस लेक विक्टोरिया के अंदर बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है बेसिकली मिगिनको आइलैंड। तो ये भी ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है वो चल रहा है, तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 के बारे में। देखो इस बार गवर्नमेंट ने बजट में प्रावधान किया था जो इलेक्शंस होते हैं उनमें फंडिंग को लेकर ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो लेके गई थी। इसमें देखो ये दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसका जो आर्टिकल 29A है उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास, अब ध्यान रखना है कौन सी रजिस्टर्ड पार्टी, वो रजिस्टर्ड पार्टी जिसने लोकसभा ये विधानसभा के जो चुनाव हुए ना अभी पिछले वाले उनके अंदर कम से कम 1% वोट है वो प्राप्त की हो एट एनी कॉस्ट, मतलब लोकसभा और विधानसभा के जो भी इलेक्शन हुए पहले उनके अंदर जिस पार्टी ने 1% से ज्यादा, 1% से कम नहीं, कम से कम 1% हो उससे ज्यादा जिस पार्टी ने वोट हासिल की है वही बेसिकली इस स्कीम का फायदा है वो उठा सकती है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि इसके लिए बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अब देखो इसमें है क्या, इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसमें ये प्रावधान है कि किसी भी इंसान को, जैसे मान लो कि मेरे को कोई फंडिंग देनी है इलेक्टोर किसी भी पार्टी को, मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मान लो कि एक्स वाई जेड पार्टी है इसको मुझे फंडिंग देनी है, मान लो कि मुझे 20,000 रुपये देने हैं, 50,000 कितने भी देने हो, तो मैं क्या करूंगा अगर मुझे फंडिंग देनी है तो मुझे जाना पड़ेगा SBI बैंक में, क्योंकि देखो अभी तो SBI नहीं, मतलब RBI ने SBI को अनुमति दी है इसके लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड जारी करने के लिए। तो मैं SBI के पास जाऊंगा और इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लूंगा 50,000 रुपये का है, मान लो कि हाँ भाई मुझे 50,000 का इलेक्ट्रोल बॉन्ड चाहिए। अब उसमें ना तो मेरा नाम लिखा रहेगा ना ही उसमें ये रखेगा कि भाई किसको देना वगैरह है। अब उसके बाद मैं उस बॉन्ड को लेके आऊंगा और जिस भी पार्टी को मुझे फंडिंग देनी है उसको जाके वो लेटर दे दूंगा, तो विद इन 15 दिन वो जिस पार्टी को मैंने जाके वो जो भी बॉन्ड प्रोवाइड करवाया है वो एक्चुअली बैंक के थ्रू वापस उसको मतलब पैसे में कन्वर्ट है वो करवा लिया जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था ताकि किसी को पता ना चले कि भाई कहाँ फंडिंग दी जा रही है वगैरह वगैरह के लिए। तो यह ध्यान रखना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना क्या है। तो अभी देखो इलेक्शन आने वाले हैं आपको पता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट है वो कर दिया है इसकी स्कीम को कि भाई हाँ आप इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह वो खरीद सकते हो, तो उसको लेके बेसिकली कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो भी इंडिया की रजिस्टर्ड पार्टी है जिसने लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में कम से कम 1% वोट प्राप्त की हो वही इस स्कीम का फायदा उठा सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मारिजुआना के बारे में। मारिजुआना को देखो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गांजा। तो देखो इसमें छोटा सा फैक्ट यही है, 3-4 बार बेसिकली आर्टिकल आ चुका है कि कनाडा है उसने ऑफिशियली इसको वैलिड करा दे दिया है। देखो वैसे तो जो मादक पदार्थ के तौर पे मारिजुआना को बैन है वो किया गया था सभी कंट्रीज के द्वारा, बट दो ही ऐसी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जिन्होंने इसकी अनुमति दे रखी है। मतलब किसी ड्रग्स जैसे मेडिसिन वगैरह के तौर पर तो इसका यूज किया जा सकता है, बट बाकी जैसे कि आपको पता है कि लोग नशे के तौर पर यूज करते हैं तो वो एक्चुअली इसका वैलिड नहीं है, मतलब अपराध है वो। तो पहले तो ये एक्टिवेट किया, मतलब ये जो स्कीम थी आप बोल सकते हो कि या फिर जो मारिजुआना को अलाउ करने की बात है वो उरुग्वे ने की थी। आप ये बताइए कि उरुग्वे की लोकेशन है कहाँ पे। इसके बाद में अभी रिसेंटली कनाडा ने इसको अलाउ कर दिया कि भाई एंजॉयमेंट के लिए या फिर आनंद प्राप्त करने के लिए लोग मारिजुआना का सेवन है वो कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अब मारिजुआना या गांजा है वो ऑफिशियली तौर पे बेसिकली कनाडा के अंदर बेचा जाएगा, अब उसकी कोई इशू नहीं है कि भाई चोरी छिपे काम नहीं करने होंगे। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है। तो UPSC पूछ सकते हैं कि रिसेंटली मारिजुआना के बारे में, तो ध्यान रखना कि मारिजुआना को लोकल लैंग्वेज में हम गांजा बोलते हैं, बाकी इसका जो रियल नाम है वो मारिजुआना के नाम पर ही जाना जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सितवे पोर्ट को लेके। तो देखो यहाँ पे दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करें इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर लें, चाहे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में डेवलपमेंट करना हो, इन सब के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो यहाँ पे हो जाता है। सबसे पहले तो सितवे पोर्ट है क्या वो देख लेते हैं। देखो इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था कलादान मल्टी मॉडल
ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली कोलकाता को सितवे से कनेक्ट करने के लिए। अब अहम बात है कि भाई सितवे है कहाँ पे। सितवे बेसिकली म्यांमार का एक प्रांत है, एक प्रोविंस है जिसका नाम है रखाइन, जो कि आपको पता है काफी सुर्खियों में था क्योंकि वहां पे जो रोहिंग्या कम्युनिटी थी उसको काफी ज्यादा एक्सप्लोइट किया गया था, इसीलिए काफी सुर्खियों में भी रहा था। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि जो रखाइन प्रांत है म्यांमार का, उसकी कैपिटल है सितवे। तो वहां तक इंडिया बेसिकली एक कॉरिडोर बना रहा था कोलकाता से लेके सितवे तक। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन में है, कुछ जगह तो एक्टिव भी हो गया है। अब देखो, जो हम थोड़ा मैप भी यहाँ पे देख लेते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। देखो ये तो हो गया कलकत्ता, ये भी हो बंगाल, हो गया मेरे बंगाल की खाड़ी, ये वहां पे हो गया बांग्लादेश। अब हम जानते हैं कि इंडिया का जो मेनलैंड है वो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से कनेक्ट नहीं है, केवल एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से है जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, उसी रास्ते से कनेक्ट है। तो मतलब हमें नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाना हो, मान लो कि मिजोरम में जाना हो, तो हमें काफी घूम फिर के जाना पड़ता था। इसलिए इंडिया ने सोचा कि यार इतनी दिक्कत है तो क्यों ना हम एक डायरेक्ट ही ऑप्शन है वो निकालें। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया कि कोलकाता से हम म्यांमार में कनेक्टिविटी करते हैं और फिर यहाँ से मिजोरम में कनेक्टिविटी बहुत आसान है, वो हो जाएगी। इसलिए कोलकाता से लेके सितवे तक जो पोर्ट है ये तो बनाया गया सी रूट, 539 किलोमीटर लंबा। इसके बाद में ये रोड रूट है वो बनाया गया सितवे से लेके यहाँ तक आगे मिजोरम तक, इंडो म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां तक, ताकि मिजोरम वाले एरिया में या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट में कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग है वो किया जा सके। देखो वैसे तो बांग्लादेश के थ्रू भी हमारी कनेक्टिविटी है, बट हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ भी हमारे रिलेशन ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमें एक सेफ साइड तो लेके चलनी चाहिए। इसीलिए इंडिया ने इस डेवलपमेंट का काम है वो किया है। तो यह ध्यान रखना, एक तो इसमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओनली सी रूट नहीं है, 539 किलोमीटर तो सी रूट है, इसके अलावा 158 किलोमीटर है वो बेसिकली यहाँ पे मतलब रोड रूट है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो जो म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है और यहाँ की जो कैपिटल है सितवे, इसकी इस वाले के थ्रू इंडिया कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है वो कर रहा था, और अभी इंडिया और म्यांमार के बीच में लेके इसको एक MOU साइन हुआ। तो इंडिया ने जो यहाँ पे सितवे यहाँ पे पोर्ट बनाया था इस कैपिटल के अंदर, ताकि ट्रांसपोर्ट वगैरह हो या फिर कॉरिडोर के तहत काफी हमें अच्छा काम है वो हो सके, तो उसी को ऑपरेशन के लेके अभी एक एग्रीमेंट है वो साइन किए गए हैं। तो एक तो यह ध्यान रखनी है हमें, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या इसमें फैक्ट की कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी कर रहा है, और इंडिया की जो एक इस पॉलिसी है इसका एक अहम पार्ट यह हो जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के मैंने आपको बताया था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, एक सेकेंड, आते हैं हमारे इंडिया में। देखो तो ये आपको सिलीगुड़ी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सिलीगुड़ी है। तो ये बेसिकली देखो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, यहाँ पे भूटान होगा, यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे होगा बांग्लादेश। तो देखो काफी पतला सा स्ट्रेस बनता है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये देखो आप दिख रहा होगा कि काफी पतला सा स्ट्रेस है। अगर हमें यहाँ तक जाना हो तो काफी घूम फिर के जाना होता है, तो बेटर है कि हम यहाँ से कनेक्टिविटी डायरेक्टली के लिए, इसीलिए बेसिकली इंडिया ने कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है वो लेके आ गया था। तो यह हमें ध्यान में रखना है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेसिकली इसको बोलते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अदर नाम है वो है चिकन नेक के नाम से भी बेसिकली इसको जाना जाता है। अब हम यहाँ पे अहम बात और करें, एक यहाँ पे ध्यान रखना है NS-54 के बारे में। UPSC ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी था, तो आपको देखो वही जो नेशनल हाईवे वगैरह या आप बोल सकते हो कि इनलैंड वाटरवेज है ध्यान में रखने, जो कि बेसिकली न्यूज में रहते हैं। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि NS-54 है वो किसको किससे कनेक्ट है वो करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ। बेसिकली कलादान एक रिवर है जो कि आपको बता दूं कि यहाँ पे रखाइन प्रांत के अंदर बहती है और इंडिया के मिजोरम स्टेट के अंदर भी बहती है। तो यह आपको थोड़ा सा फैक्ट के तौर पे ध्यान रख लेना है, क्योंकि देखो UPSC छोटे छोटे फैक्ट पे आजकल क्वेश्चन से वो पूछने लग गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज को लेके। देखो अभी चाइना ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है वो बनाया था, तो बेसिकली चाइना की मेनलैंड से दो सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, एक तो हांगकॉन्ग को और एक मकाऊ को। तो चाइना के मेनलैंड में एक सिटी है जिसका नाम है जुहाई, इस जुहाई सिटी को मकाऊ और हांगकॉन्ग से कनेक्ट है वो क्या जाएगा। तो इस तरीके से वाई आकार का बेसिकली है एक ब्रिज है वो बनाया गया है। तो बस इतनी ही न्यूज हमें ध्यान में रखनी है कि किसको किससे कनेक्ट कर रहा है। लेंथ लगभग 54 से 55 किलोमीटर के आसपास है, और अहम एक छोटा सा ये ध्यान रख लेना कि वहां पे जो ये ब्रिज बनाया गया है ये बेसिकली पर्ल लेवल डेल्टा के ऊपर बनाया गया है। तो ये भी एक छोटा फैक्ट और हो जाता है। बस दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि ऑब्वियसली देखो बनाया चाइना नहीं है, कहाँ कहाँ के बीच में, जुहाई मकाऊ और हांगकॉन्ग को कनेक्ट करने के लिए 54 किलोमीटर की लेंथ का है, और अभी इसको एक्टिव है वो किया गया है, तो उसी को लेके बेसिकली ये न्यूज है वो आई है। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम का जो हमारा पेज है या चैनल है उस पे आपको क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे, और PDF भी आप वहां से डाउनलोड है वो कर सकते हो।
देखो जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से उससे डाउनलोड है वो कर सकते हो पीडीएफ वगैरह। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।